हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, अभी प्रेजेंट में कोरोना चल रहा है और कैसे अपन घर पे ऐसे प्राणायाम करें जिससे अपने लंग्स में मजबूती आए। ऐसे प्राणायाम कौन से हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट, भस्त्रिका। भस्त्रिका जरूर करें आप, इससे करने से आपको हाइपरटेंशन, अस्थमा और हार्ट की बीमारी से लड़ने का ताकत मिलेगी। इसे रोज सुबह भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें। सेकंड, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपको अभी प्रेजेंट टाइम में रोज करना चाहिए। इससे आपको इसकी आपकी त्वचा में निखार आता है और डायबिटीज कंट्रोल होती है, इसलिए अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी है। थर्ड, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी आपको रोज करना चाहिए। इससे आपको मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है, एक जगह आपका मन लगने लगता है। अभी मानसिक तनाव बहुत चल रहा है कोरोना की वजह से, इसलिए अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करोगे तो एक शांति, एक सुकून मिलेगा आपको। फोर्थ, कपालभाति करें। कपालभाति करने से शरीर में खून की कमी दूर होती है, बीपी, हार्ट, कैंसर आदि क्योर होते हैं, इसलिए कपालभाति भी बहुत जरूरी है। रोज डेली अपने व्यायाम में इसको प्रयोग करें इसका। फिफ्थ, उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम भी बहुत ही जरूरी है। ये अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखता है और अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, इसीलिए यह प्राणायाम भी अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी है, आप करते रहिए। सिक्स, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी अपने लिए बहुत जरूरी है। इससे शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आती है और अपने फेफड़े को यह शुद्ध करता है, इसीलिए यह प्राणायाम भी आपको रोज जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही ऐसी तीन चीज़ें हैं जो आप अगर आप उसको लेते हैं तो आपको अभी छोड़ देनी चाहिए, ये आपके फेफड़े के लिए बहुत ही हानिकारक है। फर्स्ट, शराब का सेवन। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपके ये बहुत ही बड़ा नुकसान है, ये आपके लीवर को डैमेज कर सकते हैं। सेकंड, सिगरेट। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट आपको छोड़ देनी चाहिए। सिगरेट का धुआं सबसे पहले अपने फेफड़ों में जाता है और अपने फेफड़ों को डैमेज करता है, इसीलिए आप अगर सिगरेट का सेवन कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी से जल्दी सिगरेट छोड़ देनी चाहिए, वरना आपके फेफड़े, आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं। थर्ड, सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो मार्केट में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है वो भी अपने शरीर के लिए नुकसानदायक है और सबसे ज़्यादा नुकसान अपने लंग्स को पहुँचाती है, इसीलिए आप जितना हो सके सॉफ्ट ड्रिंक को अवॉइड करें। उसके बजाय आप नींबू पानी है, शरबत है, गन्ने का जूस है, कुछ भी ले सकते हैं, और अदर जूस जैसे मैंगो जूस है और दूसरे जूस बहुत सारे मार्केट में आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक से कई गुना बेहतर ये जूस है। ये जूस आपके शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करेंगे, आपके फेफड़े, आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए आप जितना हो सके शराब, सिगरेट और सॉफ्ट ड्रिंक से दूरी बनाए रखें। इसी के साथ, अभी कोरोना चल रहा है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ, नमस्कार।